अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है 2020 का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का एवोल्यूशन बताएं कि किस तरह इसकी ओरिजिन हुआ। देन उन्होंने पूछा है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर कौन कौन से फायदे और नुकसान हैं, कि ये भी आप डिस्कस करें। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं किसको। देन हम इसके एवोल्यूशन पर बात करेंगे, सॉरी लास्ट पर एवोल्यूशन पर बात करेंगे, और इसके बाद में कोलैबोरेटिव जो अप्रोच है उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सिंपल सी आउटलाइन है जो मैंने तमाम ये वीडियो इसी के ऊपर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, देन इसके 4 पॉइंट स्टेप्स जो हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के हैं उनको डिस्कस करूंगा, और एक फिगर जो टेबल टाइप जो बनाई हुई है वो भी आपको इजीली दिखाऊंगा। उसके बाद कोलैबोरेटिव अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या होती है वो बताऊंगा। देन उसकी अपॉर्चुनिटीज, देन कॉन्स्ट्रेंट्स या क्रिटिसिज्म जो है उस पर बात होगी। लास्ट पर एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा, तो ये बहुत ही ज्यादा अहम ये टॉपिक है। पिछले जो अक्सर जो पेपर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, पाकिस्तान के माहौल, पाकिस्तान में ये कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह वो मुख्तलिफ अप्रोचेस की मदद से वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप अपनी राय दें। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी अप्रोच आनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है, इसका एवोल्यूशन पता हो थोड़ा। चलें इसको डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुस्तकबिल, जो फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो उसकी स्ट्रेटजी होगी उसको डिफाइन करना होता है। इसमें प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स मेक अ चॉइस ऑफ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एनेबल इट टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। जो मैनेजर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सेट ऑफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कि मतलब मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज का एक सेट बनाते हैं और वो एक लाहे अमल होता है, उसी के ऊपर उसकी नेक्स्ट जो आने वाली प्रोसेस परफॉर्मेंस होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली होती है। Strategic management is a continuous process that appraises the business and industries in which the organization is involved, appraises its competitors and fixes goals to meet all the present and future competitors and then reassesses each strategies. ये तो आपने समझ लिया, आप ये easily, मैंने ये इनको bold कर दिया थोड़ा सा ताकि आप easily इसको understand कर सकें। इसके अलावा मैं आपको सादा उर्दू अल्फाज में इसकी डेफिनेशन करता हूं ताकि आपको समझने में आसान। जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कहें कि भाई मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के, जिस तरह मार्केट के साथ कंपटीशन की सूरत हाल हो कि फलां ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जा रही है, तरक्की कर रही है, प्रोस्पर हो रही है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को माहौल की इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक देखते हुए उस के लिए कुछ स्ट्रेटजीज चूज करें कि ये भाई पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेटर पोजीशन पर जा सकती है एक मार्केट में। तो इन जो स्ट्रेटजीज हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करने को कहते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और इसके मजीद नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये इसके 4 स्टेप्स हैं। ये फिगर आप अगर एग्जाम्पल एग्जाम में लिखें तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर के ऊपर।
सबसे पहले होती है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, देन फॉर्मुलेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में होती है इवेल्यूशन। ये लास्ट में मैं फिर दोबारा आपको ये फिगर शो होगी। चलिए नेक्स्ट एक एक को डिफाइन करते हैं ये क्या चीजें होती है। सबसे पहले आएगी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसको मैं बस सादा अल्फाज में बताता हूँ कि आपने जो मार्केट है या अपने माहौल को देखते हुए इन्वायरमेंट, जैसे कि ये इजीली अपने वर्ड से यूज हो रही है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी सबसे पहले और देखना कि हमारा पर्पस क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है जो ऑर्गेनाइजेशन पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपने ये जो मैनेजमेंट करनी है इसकी कि इसको किस तरह बेहतर किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक सिंपल सा खाका बना लेना है, उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होगी कि उसको फॉर्मुलेट किस तरह करना है, उसकी डिजाइनिंग क्या करनी। देन आपने डिसाइडिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, और उसके बाद आपने देखना है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है स्ट्रेटजिक पर्पस के, मेरा पर्पस क्या है। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करना ही आपका मकसद है। उसके बाद आपने वो देखने के कौन कौन से तरीके ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से जराए और कौन कौन से पर्पस आप यूज करेंगे, उसे कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि स्ट्रेटजी तैयार करना, पहले एक खाका बनाना, देन उसको तैयार कर लेना, उसका ढांचा बनाना, रॉ मटेरियल। देन आगे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, ये पहले आपने खाका बनाया कि क्या क्या मसाइल, उसके बाद उसका एक रिटर्न लिख लिया या एक बकायदा उसका एक फॉर्मुलेशन उसको कर लिया, देन आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी उसको इन एक्शन कर देना, एक्शन की डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सिस, डिवेलपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सिस। जैसा कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो उसके लिए आपको बकायदा जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट में है लास्ट स्टेप स्ट्रेटजी एवोल्यूशन। स्ट्रेटजी एवोल्यूशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, ये लास्ट स्टेप है। इसके जरिए से आप देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, उस पर क्या इसके फायदे, उसके उसके क्या असरात हुए हैं। अगर ठीक हुए हैं तो वेल, अगर ठीक नहीं हुए तो आपने उनको करेक्ट करना है कि भाई कौन सी खामी रह गई थी हमारी इस तमाम प्लानिंग में, इस तमाम स्ट्रेटजी में, तो उसने आप तो उसको आपने रिड्रेस करना है, करेक्ट करना है। ये दोबारा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग होगी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होगी, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होगी और लास्ट में स्ट्रेटजी एवोल्यूशन। अच्छा, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि इसी ऑर्डर के साथ इसको लेकर चलना है, स्ट्रेटजी स्कैनिंग फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में एवोल्यूशन। आप किसी को पहले या किसी बाद में आने वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में नहीं कर सकते, ये इसी की इसकी तरतीब इसी तरीके से होगी। द कोलैबोरेटिव अप्रोच टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अच्छा, तो मैं आपसे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, अदरवाइज आपको समझ नहीं लगेगी, मैं इसको काफी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या होती है, ये एक ऐसी अप्रोच है कि ये स्ट्रेटजिक लीडर, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन लीडर होता है, वो अपने डिविजनल मैनेजर्स हो गए या सीनियर या जूनियर जो भी मैनेजर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाते हैं और वो एक लेंथी मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए बाकायदा कुछ फॉर्मुलेशंस करते हैं कि किस कौन कौन से तरीके से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसमें वो मुख्तलिफ किस्म की डायनामिक्स को यूज करते हैं और वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज को हासिल करते हैं अपने जूनियर से, कोलीग से, ताकि एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी अमल पजीर लाई जा सके। अच्छा, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज और कंस्ट्रेंट्स के बारे में पूछा था, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज क्या है,
कि इससे दो किस्म की जो खामियां उनको दूर किया जा सके। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे आपके मैनेजर्स जो होते हैं, जो डिविजनल सब डिविजनल लेवल पर होते हैं, वो उनको ऑपरेशन जो अपने कर रहे होते हैं, वो जो भी वो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको डायरेक्ट उनकी इंटरेक्शन होती है और आपकी नहीं होती, क्योंकि आप हेड होते हैं, तो उनके पास वो खास किस्म का नॉलेज होता है। वो अपना वो नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं इकट्ठे बैठकर। फिर कुछ दूसरा कलीग कहता है कि नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं, दूसरा कहता है इस तरह, वो एक खास किस्म की कंसल्टेशन होती है, जैसे कि शूराई निज़ाम में होता है, मजलिस से शूरा टाइप। तो इस तरह वो अपने वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करते हैं, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक जो वक्त है उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है, वक्त जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, और जो कमिटमेंट स्ट्रेटजी है उसमें बेहतरी आती है। मतलब वो एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई हमने इसको बेहतर करना है, इट इम्प्रूव्स द चांसेस ऑफ एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। और इसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं और साथ में क्रिटिसिज्म भी हैं इसके ऊपर। इट मे आल्सो रिजल्ट इन पुअर स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है हमेशा पॉजिटिव ही इसका रिजल्ट है, ये समटाइम्स ये नेगेटिव भी हो जाता है, यानी पुअर स्ट्रेटजी भी हो जाती है। वो कैसे, इसके सम रिस्क सेवरल रिस्क भी हैं। मोर कंजर्वेटिव एंड लेस विजनरी देन वन डेवलप्ड बाय अ सिंगल पर्सन और स्टाफ टीम। अच्छा, वो कहते हैं समटाइम्स ये कंजर्वेटिव हो जाती हैं और लेस विजनरी हो जाते हैं, बजाय इसके के इतनी बड़ी टीम होने के बजाय एक बंदा ही ठीक हो सकता है, समटाइम वो रिजल्ट ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इतनी बड़ी टीम आप इकट्ठी करके कोलैबोरेशन करें। तो वो कहते हैं वो कंजर्वेटिव भी समटाइम हो जाता है, लेस विजनरी हो जाता है, और इसके अलावा उससे टाइम भी काफी समटाइम वेस्ट हो जाता है, मोस्टली नहीं समटाइम हो जाता है। और इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट रियली कलेक्टिव डिसीजंस भी। वो कहते हैं ये नाम कोलैबोरेटिव है मगर ये अक्सर जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है मर्जी तो उसकी चलती है। मोस्टली तो ऐसे होता है कि वो मैनेजर्स जो सब डिविजनल ऑफिसर्स वगैरह उसके साथ वो कोलेबोरेशन करके एक अच्छे और बेहतर लाए अमल की तरफ आता है, मगर समटाइम्स कोई ऐसा बंदा जो कंजर्वेटिव टाइप हो या उसकी अपनी ईगो सामने आ जाए, उसके आ गए, देन वो अपनी मर्जी ही चलाता है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और अच्छी स्ट्रेटजी अमल में नहीं लाई जा सकती। और उसके अलावा वो कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन थिंकर्स एंड डूअर्स। वो कहते हैं ये जस्ट ऐसे ही है कि थिंकर्स और डूअर्स दो किस्म के लोग, एक एक थिंकिंग अपनी राय देते हैं मगर करना तो वही होता है जो जिसके पास इख्तियार होता है, अगर वो इस पर अमल दरामद ना करे तो सारी की सारी थिंकिंग जाया जाती है, फेल्स टू ड्रॉन फुल ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू। अच्छा, तो ये हो गया, ये क्या, ये इसके, अच्छा लास्ट में मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन, जैसे मगर क्वेश्चन में सबसे पहले एवोल्यूशन पूछा गया था, किस चीज का एवोल्यूशन पूछा गया था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, और देन लास्ट में उन्होंने पूछा था कि कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैंने सबसे बेहतर आप पहले आपको समझा ये कि सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं, देन कोलैबोरेटिव, और लास्ट में मैं इसकी एवोल्यूशन बताऊं, ताकि आपको पहले पता तो हो कि आपको मैं डिफाइन क्या करूं। अच्छा, सिंपल जिसको भी डिफाइन, ये सुन जू जो एक ऑथर है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द आर्ट ऑफ वार, जिसके 13 चैप्टर थे, और किस चीज पर ये फोकस करते थे, मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। अच्छा, तो इन्होंने मिलिट्री जो वार ड्यूरिंग वार जो अपने स्ट्रेटजी को बेटर करने के लिए ये टेक्निक यूज की थी, या इस ये उस वर्ड को यूज किया था, रिस्पॉन्डिंग क्विकली मीट चेंजिंग कंडीशंस। अच्छा, तो इस इन्होंने ये यूज किया था आर्ट ऑफ वार किस चीज के लिए, के दुराने जंग क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए और बेटर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को, के अच्छा प्लानिंग में और स्ट्रेटजी में बेसिक डिफरेंट वो भी मैं आपको बता दूं। प्लानिंग होता है किसी काम को बिल्कुल मनोअन ऐसे वैसे ही
करना जैसे वो कुछ कहा गया हो या लिखा, उसे कहते हैं प्लान करना बकायदा। और स्ट्रेटजी कहते हैं बदलते हुए कंडीशंस को, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन डू डू समथिंग, इट इज सेट टू बी स्ट्रेटजी। मतलब कि बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से खुद से फैसला करना, अच्छे वाला फैसला, उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द 1950s इट वॉज इन द एम्ब्रोइंग स्टेज। वो कहते हैं 1950 में ये अभी इब्तदाई स्टेज पर था, बजटरी प्लानिंग फाइनेंस, तब उसका बेसिक फोकस था बजटरी प्लानिंग पर, फाइनेंशियल कंट्रोल पर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्कॉलर जो है उनका नाम है चांडलर, उन्होंने इसको बकायदा एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर मुतारिफ करवाया था। उनकी किताब स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर जो कि 1962 में आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड मूव अवे फ्रॉम डेली रूटीन, कि ये जो है जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इससे हम डेली रूटीन वाइज डिसीजन से बच जाते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाते हैं। ये टर्म स्ट्रेटजी है फॉर दीज लॉन्ग टर्म प्लान प्लान, कि एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान जो होते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजीज का मतलब है आर्ट ऑफ जनरल, यानी कि जनरल बेसिकली वो किसे कहते हैं, लड़ाई या वार, जंग के दौरान में होने वाली वाला। Until the 1970s, companies did not face challenges from global competition. वो कहते हैं 1970 तक जैसा कि ग्लोबलाइजेशन का इतना दौर दौरा नहीं था, तब तक इतने चैलेंजेस नहीं थे। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एज, जैसे यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो इसकी बहुत ज़रूरत पेश आई, खास तौर पर अमेरिका कंपनीज, उनको भी इसका बहुत सामना करना पड़ा, इसके चैलेंजेस हुए। जैसा कि एग्जांपल वो देते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस रैपिड डिक्लाइन इन दिस देयर मार्केट शेयर ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनीज। वो कहते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी जो जापानीज है, उन्होंने मार्केट को देखते हुए अपनी जो स्ट्रेटजीज को बेटर किया, तो जिसकी वजह से यूएस की कंपनीज को बहुत ज्यादा उनको कमी हुई। थैंक यू देखने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।